Hello guys, me SK Mishra and I welcome you all in yet another session of class 10 CBSE physics ka optics chapter jisko ki aap light bhi bolte hain aur ye hai uska lecture number 9. आज हम क्लास 10 सीबीएसई का लेक्चर नंबर 9 फिजिक्स में लेकर के आ चुके हैं, जिसमें बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो क्या फिनोमिनन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस लेक्चर, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट towards our channel, जिसके वजह से हम आज 100 plus subscriber को cross कर चुके हैं। आप इसी तरीके से हमारे channel के ऊपर अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम इस तरीके से अच्छे concepts और visualization वाले videos ला सके, ठीक है? So आज का lecture अब हम start करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं वो है refraction of light थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें बात करेंगे, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव हिट दैट सब्सक्राइब रेड बटन और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके बाद अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे लें, क्योंकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर बुक्स के साथ साथ आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिए गए हैं पीडीएफ नोट्स के, आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और उससे बेटर होगा कि व्हाइल स्टडिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स को बनाते रहें, ये आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज सेल्फ मेड नोट्स इज बेस्ट नोट्स, आप खुद से कॉन्सेप्ट को समझिएगा और नोट्स बनाइएगा, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? सो बात करते हैं अब इस लेक्चर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है? तो आप बात क्या करते हैं, देखिए जैसे कि ये है एक क्यूबॉइडल शेप का स्ट्रक्चर। अब क्यूबॉइडल शेप में क्या करना है हम लोगों को, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड का। अब क्या है कि यहां से जब लाइट इस पे जाएगा, एक क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब लाइट जा रहा है तो लाइट के साथ क्या हो रहा है इसी के बारे में देखना है। सो लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को, ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब शेप का हमारे पास ग्लास का स्लैब है। अब होगा क्या, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास स्लैब है। यहां एक इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए हैं जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल, जिसको क्या बोल रहे हैं नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, आने के बाद इस पे टकराया तो जो लाइट आया नॉर्मल के एक पॉइंट पे सरफेस पे टकराया तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और यहां जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे क्या होता है, चूंकि ये सरफेस ओपेक तो नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, तो क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बजाय इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर जाएगा तो हम यहां पे बात करें कि ये है एयर, ये है ग्लास और फिर नीचे है एयर, तो क्या होगा कि ये जो मीडियम है ये है मीडियम रेयर, ये जो मीडियम है ये मीडियम है डेंसर और फिर ये मीडियम क्या है रेयर, हम सभी जानते हैं। तो क्या होगा कि लाइट इस ग्लास के अंदर जैसे ही इन करता है तो लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये डेंसर मीडियम होने के कारण लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट इस तरीके से नॉर्मल की तरफ झुक गया, ठीक है? अब क्या हुआ, एक सरफेस से दूसरे सर्फेस पर लाइट पहुंच गया। अब यह है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लाइट यहां आया अंदर गया, अंदर रिफ्रैक्ट हुआ और ये दूसरे सरफेस पे पहुंचा और यहां से अब नीचे निकलेगा, दो सरफेस हुआ, यहां से अब ये वापस एयर में जाएगा। तो क्या होता है कि देखिए जो इस सरफेस पे आया तो यहां पे फिर से एक नॉर्मल है हमारे पास, यहां पे फिर से एक नॉर्मल है। अब क्या होगा कि लाइट का ये तो था एक्चुअल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ था, अब लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था
बट चूंकि ये क्या है, रेयर मीडियम है, तो लाइट क्या होगा, अपने पाथ से थोड़ा सा और डेविएट होगा, और लाइट फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर, डेंसर में नॉर्मल की तरफ और रेयर में नॉर्मल से दूर। अब क्या होता है, देखिए अब जो रिफ्रैक्शन को कैसे स्टडी करते हैं, तो यहां पे जो एंगल बना, ये बना एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का रिलेशन आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो, जहां बात किए थे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे हम लोग एक एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन मानते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसको वन मानते हैं। ये हमारा एजम्पशन रहेगा इस पूरे प्रोसेस में। यहां हमने क्या देखा कि लाइट आ रहा था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ और फिर जैसे ही इससे निकला तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। ये है लाइट का अपना ओरिजिनल पाथ, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, फाइनली जो मिला जिसको हम लोग इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। क्या देखने को मिलता है कि ये जो लाइट का एक्चुअल पाथ था और ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे जिसको इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये दोनों क्या होता है, दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो अभी क्या बोले, ये साइन आई और साइन आर कॉन्स्टेंट, इसको मान लेते हैं कि क्वेश्चन वन कहां से आया, तो स्नेल्स लॉ से। कहां से, स्नेल्स लॉ से। अब इसको अगर हम करना चाहे तो क्या बोल सकते, देखिए यहां पर एन अपॉन वन, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पर बोल सकते साइन आई इज इक्वल टू एन टाइम्स साइन आर, ये हो सकता है। अच्छा अब देखिए, अब ये आया लाइट तो यहां पर भी तो कुछ एंगल बनेगा, ये भी कुछ एंगल बनेगा क्योंकि ये रहा नॉर्मल और इस सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, बट इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अगेन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रहा रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको आई और आर बोल रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं आई डैश और आर डैश। तो यहां पर फिर से अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या बोल सकते हैं, साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इज इक्वल्स टू अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये नॉर्मल वन मान लेते हैं और ये नॉर्मल टू, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हम लोग क्या जानते हैं कि दो पैरेलल रेस को एक लाइन अगर काटता है, दो पैरेलल लाइन को अगर काटता है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां क्या लगता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो यहां पर भी हम बात करें तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रांसपेरेंट है और ये इस तरीके से है, है ना। तो ये लाइन पास हो रहा है दो पैरेलल लाइन से, दो पैरेलल लाइन से एक लाइन को जो कट करता है तो वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों पैरेलल तो उसी तरीके से ये भी पैरेलल, ठीक है। तो चूंकि दोनों नॉर्मल पैरेलल है और ये दोनों सरफेस पैरेलल है, सो वी कैन से दैट कि साइन आई डैश दिस एंगल अपॉन साइन आर डैश दिस एंगल इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। अब यहां से क्या बोल सकते हैं, फिर से क्रॉस करते हैं तो क्या होगा कि एन टाइम्स साइन आई डैश इज इक्वल्स टू साइन आर डैश, ठीक है। एन टाइम साइन आई डैश इन दोनों को क्रॉस किए इज इक्वल टू साइन आर डैश। अब देखिएगा ध्यान से क्या बोले, आई डैश इज इक्वल टू आर, ये आई डैश किसके इक्वल है, आर के। सो यहां पे बोलते हैं सिंस आई डैश इज इक्वल टू वन आर, आई डैश किसके इक्वल है, आर के। सो यहां पर हम लोग पुट करते हैं, यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
n sin r is equals to sin r dash, n sin r is equals to sin r dash. यहां से पास क्लियर हुआ. अच्छा अब देखिए ये जो n sin r है किसके इक्वल है, sin i के. किसके इक्वल है, sin i के. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं देखिए n sin r के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, sin i. तो बोल सकते हैं sin i is equals to sin r dash, sin i is equals to sin r dash. अब यहां पे क्या होगा, ये sin कैंसल, तो बचा क्या, बचा हमारे पास i is equals to r dash. हमारे पास क्या बचा, एंगल i is equals to r dash. अब ये रहा एंगल i और ये रहा r dash. तो क्या बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के इक्वल. सो वी कैन से दैट कि ये दोनों रे क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल. सो यहां से हम बात करें कि ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये दोनों रे क्या हो गया, एक दूसरे के. तो हम क्या बात किए, हम बात किए कि इस तरीके से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लास्ट में जो इमर्जेंट रे, जो लास्ट रिफ्रैक्टेड रे मिलता है वो लाइट के ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होता है. ये पता कैसे चला, तो जब ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया तो ये बताता है. इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बोलेंगे कि दिस लाइन इज इक्वल पैरेलल टू दिस लाइन. सो वी कैन से दैट कि जब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, लाइट के ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. कोई भी ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अंदर गया. अब चूंकि ये डेंसर मीडियम था तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ और डेंसर से बाहर निकला एरर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया. फाइनली हमने क्या देखा कि यूजिंग स्नेल्स लॉ दोनों सरफेस पे जहां की हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का एन माना है और एयर का वन माना है, इस रिलेशन को एक बार यहां और यहां इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये जो लाइन है, ये दोनों रे है एक दूसरे के पैरेलल. तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ओरिजिनल पाथ जो लाइट का होगा उसके पैरेलल जाता है रिफ्रैक्टेड रे. सो आप यहां तक इसको नोट कीजिए. इसके आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR. बस एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं. सो प्लीज नोट इट डाउन. अब हम बात करते हैं क्या TIR की. TIR बहुत सारे बच्चे ने सुना होगा और कुछ के लिए ये एकदम नया कोई कॉन्सेप्ट होगा. सो बात करते हैं TIR है क्या. TIR तो दिस इज नथिंग बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि जानना जरूरी है, ठीक है. TIR क्या होता है, तो देखिए हम बात करते हैं कि एक ये रहा मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट किया एक इंटरफेस. अब क्या हो रहा है कि एक लाइट है, ठीक है, ये रहा मान लेते लेट से नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल. अब एक लाइट है जो कि इस तरीके से गया इसके ऊपर, लाइट एक इस तरीके से गया तो क्या करेगा, ये रहा नॉर्मल और ये लाइट इधर से जा रहा है, इस बार ऊपर से नहीं आ रहा, इस बार इधर से जा रहा है. तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्यों, क्योंकि ये रहा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्या होगा, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इस मीडियम में कुछ होगा. तो क्या होगा यहां पे कि लाइट यहां से, जैसे लाइट का ये था एक्चुअल पाथ, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से मूव करेगा, आइदर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो लेट से ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, तो लाइट को ऐसे ना जाकर के लाइट ऐसे जाएगा. क्यों, इधर झुका, इस साइड क्यों झुक गया, क्योंकि इसको बोल रहे हैं डेंसर और इसको बोल रहे हैं रेयरर. अब डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, सो इसीलिए लाइट इस तरीके से झुक गया. तो यहां पर एंगल आई बना तो इसको क्या बनेंगे, एंगल आ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. अब क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन करवाते रहते हैं.
लाइट को भेजा कुछ एंगल पे, लाइट ऐसे गया। अब यहां पे क्या करते हैं, धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग बढ़ाते जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, बढ़ाते हैं। अभी ऐसा था, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं या इतने एंगल पे भेजते हैं, फिर थोड़ा और, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो काफी बढ़ जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं जो कि ये नॉर्मल रहा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे, अब देखिए क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा तो ये नीचे झुकेगा। क्या बोल रहे, समझ रहे बात, ये क्या होगा, ये जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से घटता जाएगा, ये नीचे आएगा, यहां से ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, ये और नीचे 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 नीचे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये अभी ऐसा गया कुछ एंगल बना करके, तो यहां कुछ एंगल बनाया, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है यहां पर आ जाएगा, ये जो है यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या देखते हैं कि अभी जो फाइनल केस मिला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने पूरा बड़ा कर दिया, तो जो रिफ्रैक्टेड रे था वो इसी सरफेस पे इंटरफेस के अलोंग जाने लगा। क्या हुआ, जैसे जैसे इसको बढ़ाया तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है सरफेस के अलोंग मूव करने लगा। तो वो केस जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। क्यों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ, क्योंकि नॉर्मल ये रहा और रिफ्रैक्टेड रे यहां जा रहा है, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। सो वो केस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोले, ध्यान से समझिएगा कि दो मीडियम था, एक रेयर और एक डेंसर, डेंसर से लाइट निकला, लाइट इस तरीके से गया तो कुछ एंगल बना करके निकला, तो कुछ एंगल आर भी बनाएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं ये रे का और बढ़ते जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से कुछ बढ़ता चला जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर क्या देखेंगे कि फाइनली हमारा ये जो एंगल था नॉर्मल के साथ, ये आर हम लोग यहां पे भी बोल सकते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल वन है जो, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि एक ऐसा केस जब रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस के अलोंग जाने लगे, तो यहां पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ना रह करके बन जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बोलते हैं कि कोई हॉस्पिटल में बीमार है, एडमिट है, तो उसका सिचुएशन क्रिटिकल हो गया, डेट मीन्स कि क्या, अब बचने की संभावना बिल्कुल कम है या फिर नहीं है। तो यहां पे भी वही हो रहा है ना, देखिए थोड़ा भी अगर ये ऊपर रहता तो रिफ्रैक्शन होता, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, थोड़ा ऊपर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और यहां से थोड़ा नीचे जाएगा तो लाइट सेम मीडियम में ही आ जाएगा। क्या समझ बोल रहे हैं कि ये रहा सरफेस, अगर ये इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आ गया है, अगर थोड़ा और बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आने लगेगा। रिफ्लेक्शन यही तो है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गया और उसी मीडियम में वापस आ गया, जिस मीडियम में गया उसी मीडियम में वापस आ गया। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब इस एंगल को क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा और बढ़ाए तो रिफ्रैक्शन के जगह पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्या बोले कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम लोग रिफ्रैक्शन करवाते हैं, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, और ये इंसिडेंट एंगल जो है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, इस तरीके का ये जो रिफ्रैक्टेड रे नीचे झुकते 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 इस इंटरफेस के लॉन्ग आ जाए, और फाइनल एक ऐसा केस हम लोगों को मिले जब ये जो गया ये जाने के बाद अब रिफ्रैक्शन होने के बजाय वापस इसी मीडियम में वापस लौट के आ जाए, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है
जिसमें कि लाइट एक मीडियम से जाता है और टोटली पूरा का पूरा उसी मीडियम में वापस आ जाता है आफ्टर फॉर्मिंग क्रिटिकल एंगल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्रिटिकल एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो यहां पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ और टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, कोई रिफ्रैक्शन में नहीं किया, टोटल लाइट का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां से रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो इंसिडेंट एंगल जहां पर रिफ्रैक्शन का खेल खत्म और रिफ्लेक्शन का खेल चालू, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, वो फिनोमिनन जिसमें कि लाइट क्या करती है, टोटली टोटल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इन सेम मीडियम इंस्टेड ऑफ हैविंग रिफ्रैक्शन। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन और आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेस की। सो तब तक आप इसे देखते रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।